हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयन और बॉन्साई ट्रिक्स एंड लॉट मोर चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप भी दोस्तों गार्लिक उगाने का अनोखा तरीका जानना चाहते हैं? इस वीडियो में मैं सीड्स लगाने से लेकर गार्लिक हार्वेस्टिंग तक पूरी हर एक बात का जानकारी दूंगा। लहसुन उगाने के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए और कौन सा खाद डालना है हर एक बात का जानकारी दूंगा और बहुत सारे सीक्रेट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों गार्लिक उगाने के लिए आप लीजिए एक पार्ट ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल और उसके साथ साथ लीजिए चावल का भूसा, इसको राइस हास कहते हैं। अगर ये नहीं मिला आपको तो आप कोई भी हास यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये तिल का भूसा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ चाहिए काउडंग मैन्योर यानी कि गोबर की खाद। अगर आपके पास इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं उसका अल्टरनेटिव भी बता दूंगा। और गार्लिक को जल्दी से जल्दी उगाने के लिए मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ मेरा केले का छिलका से बना हुआ फर्टिलाइजर। अगर ये भी आप जानना चाहते हैं कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं उसका भी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों जो भी फसल जमीन के नीचे उगते हैं उसके सॉइल का तीन प्रॉपर्टी होना जरूरी है। एक तो वो बहुत ही वेल ड्रेनिंग होना पड़ता है, उसको बहुत ही फ्लापी बनना पड़ता है और उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा रहना पड़ता है। दोस्तों लहसुन को उगाने के लिए मैं एक बड़ा सा प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहा हूँ। इसके नीचे मैं चार होल बना दिया और मिट्टी को होल से बह जाने से रोकने के लिए मैं विंडो स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर मेरा जो बनाया हुआ मिट्टी है उसको डाल रहा हूँ। दोस्तों ये घर में उगाया हुआ गार्लिक बहुत ही पौष्टिक होगा, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहेगा और ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट भी है। तो इसको उगाने के लिए पहले तो एक लहसुन लीजिए, ये बहुत ही पुराना लहसुन नहीं होगा तब भी बेटर होगा, कुछ नए वाला लहसुन कलेक्ट कर लीजिए और गार्लिक क्लोव्स को हल्के हाथों से अलग कर दीजिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गार्लिक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड भी है। दोस्तों गार्लिक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कैसे बनाते हैं आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के एंड में मैं उसका भी तरीका बता दूंगा। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरा वीडियो देखकर कमेंट करते हैं कि एक 10-20 रुपये का चीज़ उगाने के लिए इतना मेहनत का क्या ज़रूरत है। लेकिन आज का हालत कुछ ऐसे बन गए कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि शायद ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि हमारा खुद का फसल खुद उगाना पड़े। उसके लिए हर लोगों को थोड़ा बहुत गार्डनिंग का जानकारी होना तो ज़रूरी है। दोस्तों इसका बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। दोस्तों गार्लिक क्लोब्स को पूरी तरह ज़मीन के अंदर मत गाड़ दीजिए, थोड़ी पार्ट उसका ज़मीन के बाहर भी रहने दीजिए, इससे गार्लिक जल्दी उगता। दोस्तों 10 दिनों के बाद देखिए ऑलमोस्ट सभी क्लोब से गार्लिक का पौधा निकल कर बाहर आ रहा है, है ना ये छोटे छोटे कमाल के पौधे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस गार्लिक का पौधा भी खाने लायक है? जब गार्लिक का पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाए उसके 5 दिनों बाद जब एक पत्ते से दो पत्ते निकल के आना शुरू हो जाए उसका टाइम ही फर्टिलाइजर देना जरूरी है। दोस्तों गार्लिक के लिए जो फर्टिलाइजर बेस्ट रहता है वो है भार्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर। इसको बनाने के लिए आप कुछ पानी लीजिए, अगर बारिश का पानी मिला तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज कोई भी पानी चलेगा। और 200 ml पानी में एक चम्मच भार्मी कंपोस्ट मिला दीजिए। अगर आपके पास भार्मी कंपोस्ट नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं उसका अल्टरनेटिव भी बता दूंगा। दोस्तों गार्लिक उगाने के लिए जो फर्टिलाइजर आपको चाहिए उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा रहना पड़ता है, उसीलिए मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर यानी कि सरसों के खली से बनाया हुआ फर्टिलाइजर और केले का छिलका से बनाया हुआ फर्टिलाइजर से काम नहीं चलेगा। आप भार्मी कंपोस्ट से फर्टिलाइजर बनाइए और उसको 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद एक पार्ट आप फर्टिलाइजर के लीजिए और एक पार्ट पानी मिला दीजिए। दोस्तों अगर आपके पास भार्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये खाद बहुत ही अच्छी तरीके से डीकम्पोज होना जरूरी है। दोस्तों और 45 दिनों के बाद इसका ग्रोथ देखिए, ये पेड़ बहुत ही बड़ा हो गया था उसीलिए मैं वायर से इसको सपोर्ट दिया। अगर आपके पास वायर नहीं है तो एक स्टिक के मदद से भी आप सपोर्ट दे सकते हैं। नाउ चलिए दोस्तों देखते हैं ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है भी या फिर नहीं। दोस्तों गार्लिक को खोदने के लिए आप फॉर्क का यूज़ कीजिए, एक चम्मच के मदद से आप गार्लिक को धीरे धीरे खोद लीजिए।
दोस्तों लहसुन को जमीन से बाहर लाने के वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि इस चम्मच से गार्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अगर नुकसान पहुंच गया तो गार्लिक ज्यादा दिन तक फ्रेश नहीं रहेगा। एक बात इसका हार्वेस्टिंग कर लिया तो आराम से 3-4 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों था ना ये एक लहसुन उगाने का कमाल का तरीका। इसको उगाने के बाद आप पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिए और धूप में एक दिन तक सुखा लीजिए। उसके बाद ये पौधा आप रिमूव कर सकते हैं और 3-4 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। भले ही इसका साइज उतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन ये ऑर्गेनिक है और कमाल का टेस्टी है। दोस्तों आप जानते हैं कि सिर्फ पानी में भी आप लहसुन के पौधा उगा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूं, तो चाहिए तो मुझको बता दीजिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गार्लिक और ऑनियन से आप कमाल का पेस्टिसाइड बना सकते हैं। ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नॉन टॉक्सिक है, यानी कि ये आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, लेकिन कीड़े मकोड़ों को आपको पौधों से दूर रखने के लिए ये कारगर तरीका है। इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में एक पेस्ट बना लीजिए और एक कपड़े के मदद से इसका जूस को सेपरेट कर लीजिए। दोस्तों गार्लिक से बनाया हुआ ये इस जूस सिर्फ पेस्टिसाइड भी नहीं है, ये एक कमाल का फंगिसाइड भी है। दोस्तों स्पाइडर माइट्स और एफिड्स को दूर रखने के लिए ये पेस्टिसाइड कमाल का है। इस पेस्टिसाइड का आप 2-3 चम्मच लीजिए और 100 ml पानी में मिला दीजिए। उसके बाद एक स्प्रे बोतल के मदद से आप सुबह और शाम इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसको अल्टरनेटिव डे पर स्प्रे कीजिए, सुबह कीजिए या फिर शाम को कीजिए। दोस्तों चलिए और 2 बोनस आपको देता हूँ और 2 कमाल का पेस्टिसाइड का तरीका भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दालचीनी और लौंग से भी कमाल का पेस्टिसाइड बनते हैं। इसको आपको पानी में भिगो के रखना है और 1 दिन के बाद ये यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये सिर्फ पेस्टिसाइड भी नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन भी होता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं मेरा फेवरेट पेस्टिसाइड के बारे में, वो है नीम का लीव्स। नीम का लीव्स को आप मिक्सर ग्राइंडर में ऐसा पेस्ट बना लीजिए और उसको एक कपड़े के मदद से सेपरेट कर लीजिए। इसको आप लगभग सभी पौधों पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पेस्टिसाइड को यूज करने से पहले आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसको आप सुबह और शाम ही डाल सकते हैं, धूप के टाइम में इसको बिल्कुल यूज ना कीजिए। नंबर 2, आप फ्रेश लीफ कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए। अगर आपका लीफ फ्रेश रहेगा तो ये पेस्टिसाइड बेस्ट काम करेगा। और नंबर 3, इसको आप वीक में 2 बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो लाइक कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं हूँ आयन फ्रॉम बॉन्साई ट्रिक्स एंड ए लॉट मोर। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।